Subscribe to Pickless Music and click on the bell icon to get notification about the latest uploads. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पिकलेस म्यूजिक। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग इसी गाने का ही टैप्स करेंगे, कुछ कुछ होता है, जो एक बहुत ही रोमांटिक सा बॉलीवुड सॉन्ग है। और ये वाला सॉन्ग तो सभी ने सुना ही होगा, तो उसका हम टैप्स करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। मैंने ये वाला टैप्स अरेंज किया है, ठीक है, ताकि कोई भी आसानी से इसे प्ले कर सके। और अगर आपको ये वाला लेसन अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करना, ठीक है, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, ताकि आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे, ठीक है। तो बिना वगैरह आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका शुरुआत होगा, ना जाने कैसा ऐसा से है, ठीक है। तो मैंने वहाँ से स्टार्टिंग किया है, तो आप स्टार्टिंग होगा 7th फ्रेट ऑफ द ई स्ट्रिंग से, ठीक है। और आप ऑन स्क्रीन टैप्स को देख लीजिए और मैं धीरे धीरे बजा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 8 10 12 8 7 10 7 8 10, ठीक है। और इसी पार्ट को हम और एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वाला लाइन, क्या नशा इस प्यारे का, स्टार्टिंग फ्रॉम द 8th फ्रेट ऑफ द बी स्ट्रिंग, ठीक है। और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो फिर 8 7 10 10 8 7 10 7, ठीक है। और फिर अगला वाला लाइन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम द 8th फ्रेट ऑफ बी स्ट्रिंग, और एक बार देख लीजिए, 8 9 7 9 7 5, फिर 7 10 7 8 7, ठीक है। तो आप बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना, यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अगला वाला पार्ट ऐसे जाएगा, कोई ना जाने क्यों चैनक होता है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 8th फ्रेट ऑफ द बी स्ट्रिंग, तो फिर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 10 7 10 10 slide 12 10, और एक बार 8 10 7 10 10 slide 12 12 10, ठीक है। और फिर क्या करूँ, हाँ ये कुछ कुछ होता है, वो स्टार्टिंग होगा आपका 10th फ्रेट ऑफ बी स्ट्रिंग से, और ऐसे जाएगा, तो फिर क्या हो रहा है, 10 7 10 8 7 10 7 10 8 10 8 8 10 8 7 10 7 10 8 10 8 8 8 8, ठीक है।
और फिर तुम पास से आई यूं मुस्कुराए, और स्टार्टिंग होगा आपका 7th फ्रेट ऑफ द ई स्ट्रिंग से, और ऐसे जाएगा। तो ये स्टार्टिंग होगा आपका 7th फ्रेट ऑफ द ई स्ट्रिंग से, 7 8 7 10 8 7 7 8 7 10 8 7। फिर तुमने ना जाने क्या सपने दिखाए, वो सेम होगा जो पहले हुआ था, सेम टैब्स। फिर अब तो मेरा दिल जागे या सोता है, ठीक है, फिर क्या करूं, हाँ कुछ कुछ होता है। तो आप देख सकते हो कि टैब्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है, जो हमने पहले लर्न किया था वही रिपीटेशन हो रहा है, तो ये वाला पूरा गाना ऐसे ही चलेगा, ठीक है। ओके मैम, दैट वाज द फाइनल लेसन। अगर आपको ये वाला लेसन अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करना, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। और अगर इस लेसन में आपको कोई भी डिफिकल्टी हुई है या फिर कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया है तो फिर आप कॉमेंट सेक्शन में उसे कॉमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी गाने का अगर टैप्स चाहिए तो आप उसे नीचे कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैं लौटूंगा मेरे अगले वीडियो पर। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।